हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे अग्निपथ के न्यू एग्जाम पैटर्न दे रहा हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पे एयर फोर्स एक्स ग्रुप के लिए यहाँ पे फिजिक्स का फुल प्रैक्टिस है दोस्तों कराऊंगा। यहाँ पे फिजिक्स का फुल प्रैक्टिस है दोस्तों कराऊंगा। पेपर का पैटर्न देख लेना दोस्तों। यहाँ पे मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं, आप लोग 25 में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्द आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है तो तैयारी जम के कर लीजिएगा। चलो लिखा है आपका, एक बेलन और एक गोले का जो द्रव्यमान है एवं अर्धव्यास समान है, अपने तरह अनुदैर्ध्य अक्ष के प्रति बेलन का जड़त्व आघूर्ण I1 है और गोले का अपने व्यास के प्रति जड़त्व आघूर्ण I2 है, तो निष्पत्ति I1/I2 का मान पूछा गया है। बताइए क्या होगा भाई। चलो तो आप लोग क्या है कि पहले I1 बराबर आप लोग सूत्र क्या होगा यहाँ पे mR² / 2 होगा, और यहाँ पे दूसरे के लिए क्या होगा, देखो अर्ध गोले के लिए हमने बता दिया, अब बात करते हैं गोले के लिए। चलो गोले के लिए, अब गोले के व्यास के पड़ता जो सूत्र होता है दोस्तों उसका देख लो आप लोग क्या होता है, 2/5 mR², ये काफ़ी बार हम बता भी चुके हैं। I1/I2 कहा गया है तो इसमें I1/I2 कर देंगे, सिंपल सा राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा mR² / 2 और 2/5 mR², ठीक है। तो इसको हल कर लेना आप लोग, 5/4 आएगा, कितना आएगा 5/4 आएगा, ठीक है। किसी मात्रक पद्धति में गुरुत्वीयमान का मान 1 है और समय का मात्रक 1 सेकंड, इस पद्धति में लाभ होगा। तो 52 नंबर का आप लोग कॉपी में हल करके हल देख लीजिए, ठीक है। चलो भाई, तो 52 नंबर हमने कॉपी में हल कर दिया, आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है। पूरा आप लोग कायदे से देख लीजिए इसको, तो यहाँ पर 980 आएगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। चलो 980 सेंटीमीटर दोस्तों आएगा, जो कि आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। अगला दिया गया है, यहाँ पर लिखा प्रति के अंदर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा दोस्तों, 53 नंबर है। तो गुरुत्वीय त्वरण केंद्र से दूरी के सीधे समानुपाती होता है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला दिया गया है, यहाँ पर लिखा है जो पृथ्वी के सतह पर किसी पिंड का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर/सेकंड है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वर्तमान मान का दोगुना तथा त्रिज्या आदि हो तब पलायन वेग दोस्तों क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को ऐसे कर लेना, पलायन वेग बराबर आप लोगों कितना होता है, VE बराबर होता है √2gme/RE, वही त्रिज्या होती है RE, ठीक है। अब पलायन वेग 11.2 दिया गया और होता भी फिक्स, आप लोगों को याद भी रखना चाहिए पृथ्वी का, ठीक है, और 2gme लिख दिया / RE लिख दिया। अब यहाँ पर क्या दूसरा पलायन वेग भी दिया था, ठीक है, जिसमें उसकी जो द्रव्यमान वर्तमान मान का दुगना अर्थात त्रिज्या जो आधी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ त्रिज्या आधी करके देखेंगे, आधी रख लेंगे तो उसको रखेंगे VE बराबर √ 2g/2me/RE/2 तो हो जाएगा √2gme/RE, इसी पर हल कर लेंगे। तो आपका जो पहला जो हम लोगों का आया था वो आया था 11.2 रख देंगे उसी में और आएगा 22.4 किलोमीटर/सेकंड। अगला दिया गया, यदि कोई पिंड किसी तल में एक बिंदु के प्रति घूर्णन करता है तो इसकी कोणीय संवेग दिशा होगी दोस्तों, 55 नंबर प्रश्न है, तो घूर्णन अक्ष की ओर होगी। इसको देखो, इन सब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन नहीं, तो सारे पे आप लोगों को पकड़ करनी पड़ेगी। और क्या है कि फार्मूला इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा फिजिक्स में। 56 नंबर प्रश्न दिया गया, पृथ्वी पर हमेशा चंद्र का केवल एक भाग दिखाई देता है, पार्श्व भाग ही दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन यही कि घूर्णन और परिक्रमण की जो अवधियां होती है बराबर होती है। पार्सेक दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो पार्सेक वैसे दूरी का होता है, खगोली दूरी यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मात्रक बराबर है, यहाँ पे मात्रक ऊर्जा का है, मतलब ऊर्जा का मात्रक, तो ये तो ऊर्जा का मात्रक आप लोगों का दाब का आयतन का गुणनफल है, जैसे कि आप लोग कह सकते हो ये जो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो दाब का आयतन का गुणनफल होता है, दाब व आयतन का गुणनफल होता है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो अगला देखते हैं, जैसे कि आप लोगों का दाब को क्या लिखते हैं F/A और आयतन क्या लिख सकते हैं, आयतन क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल गुणे लंबाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी कारण से आप लोग इन्हीं का गुणनफल यही है कि वो आपको ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है, दाब व आयतन गुणनफल ऊर्जा के बराबर होता है। अगला दिया गया है, यहाँ पर लिखा सैंतक गुणक ML-1 T-1, ये काफ़ी बार पिछले बार एयरफोर्स में बन भी चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक दोस्तों नहीं है, तो ऊर्जा का मात्रक आपको kg/s दोस्तों नहीं है, लेकिन ये सब आपके तीनों हैं। अगला दिया गया है, लिखा एक पत्थर स्थिर अवस्था में गिरना आरंभ करता है अपनी गति के अंतिम सेकंड में, इसके द्वारा चली गई दूरी गति के प्रथम 3 सेकंड में चली गई दूरी के बराबर है, पत्थर कितनी ऊंचाई पर गिराया गया था। अब जहाँ जी का मान आपका 10 मीटर/सेकंड दिया गया, 61 नंबर आप लोग दोबारा पढ़ लेना, इसका हम कॉपी पहले आपको दिखा देते हैं।
चलो भाई इसका हल आप लोग कॉपी में देख लीजिए आराम से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। 125 मीटर आएगा आपका, आप लोग यहाँ पे हल भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1/2 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, 1/2 गुड़े 10 गुड़े 5 स्क्वायर, चलो तो 125 आएगा। अगला देखते हैं, चलो 125 मीटर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर की। 500 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक मोटर कार 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, इसकी चाल में 2 मीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है, इसका त्वरण दोस्तों कितना होगा। तो 62 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग कॉपी में देख लीजिएगा। सूत्र तो बिल्कुल आपका सिंपल भी, जैसे कि आप लोगों ने AT बराबर पढ़ा होगा कि V स्क्वायर अपॉन में R होता है, और V जहाँ पे 30 दिया गया, R आपका यहाँ पे 500 दिया है, इसी पैटर्न से आप लोग हल कर लोगे 1.8 आ जाएगा। और लेकिन इसमें क्या है, इसकी चाल में 2 मीटर पर सेकंड की वृद्धि कर दी जाए तो AR बराबर होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। चलो आप लोग कॉपी में देख लीजिए। चलो सबसे पहले तो वृत्ताकार वाला मार्ग के लिए त्रिज त्वरण का सूत्र AT बराबर V स्क्वायर अपॉन में R लगाएंगे तो 9/5 हो जाएगा। फिर इसमें क्या कहा था कि जो है चाल में वृद्धि इस पर देखे चाल में वृद्धि, आप लोग इस पर देखे त्वरण, आपको AR बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा T जो दिया था आपको 2 मीटर पर सेकंड दिया था वो यहाँ पे लिख दिया गया, आप कुल त्वरण यहाँ पे पूछा गया था तो A बराबर A² R + AT² हो जाएगा। तो यहाँ पे 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 62 का दूसरा ही करेक्ट है। तीसरा नंबर दिया है, 8 किलोग्राम द्रव्यमान के एक गतिमान पिंड की 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक स्थिति पिंड से टक्कर होती है, यदि गतिमान पिंड की प्रारंभिक गति ऊर्जा E है तब टक्कर के बाद इसमें गति ऊर्जा होगी। 63 नंबर प्रश्न है, इसको आप लोग कॉपी में देख लीजिए, प्रश्न दोबारा से पढ़ लेना, ठीक है। चलो भाई 63 नंबर आप लोग देख लो, V1 बराबर M1 - M2 अपॉन में M1 + M2 U1, फिर प्लस में 2M2 अपॉन में M1 + M2 U2, ये सूत्र है। इस प्रकार से आप लोग हल कर लीजिएगा, आंसर आपका राइट ऑप्शन आराम से बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला देखते हैं, चलो तो आपका 0.36 आ जाएगा। अगला दिया गया, लिखा 1.44 मीटर एक मीटर लंबाई के 2 लोलक एक साथ दोलन आरंभ करते हैं, कितने दोलन के बाद ये पुनः एक साथ दोलन करेंगे। तो यहाँ पे 64 नंबर दोस्तों दिया गया है, इसका हल आप लोग कॉपी में देख लीजिए। तो आप लोग सिंपल से सूत्र आता होगा तो ही कर पाओगे, NT1 बराबर होता है N+1 T2। जो 25 जो आपके 5 क्वेश्चन सबसे हार्ड आते हैं, जो आप फिजिक्स में कभी कर नहीं पाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, ठीक है। तो इन सबको आप लोग लगा के जरूर जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करा रहे हैं बिल्कुल एग्जाम पैटर्न दर दोस्तों क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप लोग जितना शेयर करो, जितना लाइक करो, उससे ज़्यादा आप लोगों को वीडियो आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट चाहिए और जल्दी जल्दी चाहिए, प्रैक्टिस सेट मेरे पास काफ़ी है फिजिक्स के अभी, तो आप लोग ये कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिएगा। और भाई आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते, पता नहीं क्यों, सबसे पहले भाई लाइक करिए, पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते, प्लीज़ भाई थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए, लाइक करिए और जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी एयरफोर्स XY के स्टूडेंट है जिन्होंने फॉर्म भरा है तो तुरंत जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिंपल से आप लोगों को फिट आवर्तकाल का सूत्र लगा देना, आराम से हल कर लीजिएगा, ठीक है। इसका क्या निकलेगा, 100 का 10 निकलेगा, 10/12 निकल जाएगा। इसी पैटर्न से आपका हल करना, सूत्र इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। N = 5 आएगा, चलो N = 5 दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। अगला दिया 65 नंबर है, एक खुले मुंह वाले बर्तन में 60 डिग्री सेल्सियस पर वायु है, इस बर्तन को T डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर 1/4 वायु बाहर निकल जाती है, T का मान दोस्तों यहाँ पे क्या होगा। चलो देखो आप लोगों को क्या है, सिंपल सा V1 दिया था 3/4 V, ठीक है। अब T1 की वैल्यू आपको 60 दी थी, 60 डिग्री सेल्सियस को कार्बन कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है, आंसर तो डिग्री सेल्सियस में आ रहा था, बाद में 273 से घटा दिया था, सिंपल सी बात थी। और आप लोग दे सकते हो, हाँ सूत्र देख लो, V1/T1 बराबर V2/T2 होता है, जहाँ P नियत होता है, ठीक है, यही सूत्र है आप लोगों का, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 171 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। चलो 171 डिग्री सेल्सियस था, 444 में 273 घटा दिया था, 444 केल्विन था भाई, अब डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करना था इसलिए माइनस का 273 कर दिया था। अगला दिया कि एक कसी डोरी अथवा तार के कंपनों पर आधारित उपकरण है, चलो अगला दिया आवेशित चालक में आवेश स्थित होता है, इसकी किस पे, देखो तो इसकी बाह्य सतह पर स्थित होता है, इसको दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के प्रति परिक्रमण काल अधिकतम होता है, तो सभी लोगों को आता होगा मंगल। अगला दिया डीजल से चलाए जाने वाले इंजन में ज्वलन इनमें से किसके जरिए उत्पन्न होती है, 69 का आपका संपीड़न, देख सकते हो वनलाइनर भी क्वेश्चन, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी आप लोग देख रहे होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक नहीं किया तो जल्दी से सभी लोग लाइक करिएगा। 1 मेगावाट आपका घंटा पूछा गया दोस्तों, सिंपल प्रश्न है, 70 नंबर का राइट ऑप्शन बनेगा, 3.6 × 10⁻⁹ जूल होगा, 9 जूल होगा, ठीक है। अगला दिया गया EPC में संबंध आपको बताना, तो काफ़ी बार इसको बता भी चुके हम, P = E/C होता है, P = E/C होता है, ठीक है, E/C होता है, जहाँ पे P संवेग है, E आपकी ऊर्जा है फुटान की, और C संवेग। अगला दिया गया टनी चालक बनाए जाते हैं, तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया भाई, अब तो तांबे के किसी प्रत्यति धारा परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान
14.14 एम्पियर इस धारा का वर्ग माध्य मूल का मार क्या, एक का मान क्या होगा, आरएमएस होता है जो। तो 73 नंबर प्रश्न है, हाँ 73 नंबर, चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए जरा, इंपॉर्टेंट है भाई। अभी सभी लोग अपना अपना इसको जरूर बताइएगा, तो यहाँ पे 10 एम्पियर हो जाएगा। अगला दिए विद्युत वाहक बल निरूपित करता है, 74 नंबर प्रश्न है, तो हो जाएगा ऊर्जा के, विद्युत वाहक बल निरूपित करता है ऊर्जा के बराबर, ठीक है वही है। अगला दिया ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक समान रूप से इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए दोस्तों तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो भाई, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और भाई आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे समय, जल्दी जल्दी सपोर्ट करिए भाई, और लोगों का जल्द एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है, तो इस चैनल पे आपको एयरपोर्ट एक्स वाई की तैयारी कराई जा रही, जितने भी एक्स वाई के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, मैंने 2000 वीडियो आपको करा दिए एयरफोर्स एक्स वाई के लिए, तो जिनको भी प्ले लिस्ट चाहिए इंग्लिश फिजिक्स मैथ जीके रीजनिंग रागा में अलग से मैथ भी कराए मैंने, रीजनिंग कराए, नॉर बर्बर भी कराए, जीके भी कराए, और एक्स वाई की इंग्लिश भी कराई, पीरियड सेट के क्वेश्चन भी कराए, जिसको भी प्ले लिस्ट चाहिए तो कमेंट में बताना, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।